नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो अखंड दीप से संबंधित होने वाली है। क्या पहले दिन ही अखंड दीप लगाना आवश्यक है? यदि आप पहले दिन किसी कारण से अखंड दीप नहीं प्रज्वलित कर पाए हैं तो नवरात्रि के किस किस दिन हम अखंड दीप अपने घर पे लगा सकते हैं और यह कितने दिनों तक अखंड दीप हमें लगा के रखना है, इसकी क्या विधियां हैं, अखंड दीप प्रज्वलित करने के बहुत सारे नियम हैं, तो उन नियमों के बारे में भी हम जानकारी देंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि अखंड दीप बुझ जाता है, बार बार आपके घर में बुझ जाता है, जिसके कारण आपके मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न होती हैं। अब बहुत सारे नियमों में पहला नियम तो ये है कि अखंड दीप जब आप लगाएंगे तो आपके घर में ताला नहीं बंद होना चाहिए। अब जो हमारे वर्किंग बहनें हैं या फिर पुरुष भाई बाहर रह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम अखंड दीप लगाएं, अब उन्हें बाहर ऑफिस जाना है तो ऐसे में वो कैसे अखंड दीप लगाएं, इस तरह की बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दीपक कैसा लेना चाहिए, बाती, घी या तेल, ये तो हम बताएंगे ही। तो पहले मैं आपको दिया दिखा दूं कि देखिए मिट्टी का दिया सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको इसे करीब 3 से 4 घंटे पानी में डुबाकर रखना है। अब पानी में क्यों डुबाना है, आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए ये मिट्टी के दिए अग्नि में पकाए जाते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी, इनकी जो तासीर होती है ये काफ़ी गर्म मानी जाती है। कहने का अर्थ है जब इसमें हम डायरेक्टली तेल या घी डालेंगे तो वो ज़्यादा तेल घी अपने आप सोख लेगा, तो ये ऐसा ना हो इसके लिए हम पहले इसे पानी में डिप कर देते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे ये छोटा वाला दिया आप प्रज्वलित करें, इसे भी आपको डुबा के रखना है। और ये देखिए जैसे आप डुबाएंगे ना ये बिल्कुल सूख जाएगा, यानी कि पानी सोख लेता है, तो इसीलिए इसको डुबा के रखना चाहिए। पहला नियम तो यही, देखिए देखते देखते सूख गया बिल्कुल। तो इसी तरीके से आपको 3 से 4 घंटे के लिए इसे पानी में भिगो देना है और फिर इसे बाहर निकाल के रख लेना है। मान लीजिए आप ये वाला ले रहे हैं तो इसको रख दें, और वहीं पर यदि आप धातु के दिए ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा आपको इधर दिखाना चाहूँगी, आपको दिख रहा होगा, इस तरह का दीप भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा दीवा आपको लेना है, क्योंकि जिससे उसमें आप अच्छे से घी या तेल भर कर रख दें, कम से कम 24 घंटे वो चले, बहुत ज़्यादा आपको उसकी केयर ना करनी पड़े। अब थोड़ा छोटा सा दिया रहेगा, बार बार उसे आपको भरना पड़ेगा, बहुत सारा आपको प्रेशर रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा दीवा लें जिसमें कम से कम 250 ग्राम या फिर 150 ग्राम ऑयल या घी आ सके। दो महत्वपूर्ण बात दिया लेने का। अब सेकेंड नंबर पर आता है बाती। तो देखिए बाती आप इस तरह से, जैसे मार्केट में ना ऐसे रोल वाली रुई भी आती जो लंबी सी होती है, जो कॉटन मिल वगैरह में मिलती है, तो यदि आप वो ले लें या फिर रुई से आप खुद बना सकते हैं। तो बाती कितनी बड़ी होनी चाहिए, कम से कम आपको ये, यहाँ पे मैं इसको मौली की धागा, तो बाती कम से कम आपको यहाँ से, जो आपकी मिडिल फिंगर है यहाँ से आपको इसे, ये मिडिल फिंगर से लेकर यहाँ पे जो कोहनी है यहाँ तक आपको इसे मापना है। तो चलिए इधर से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ से मैं फंसा के ये यहाँ पे, ठीक है आपने देखा ये, और थोड़ा सा और, यानी कि जितना आपका मिडिल फिंगर से लेके यहाँ पाम तक ये और लेना है, तो ये यहाँ तक हो गया, और थोड़ा सा हम और नाप लेते हैं, ये हमारा पाम वाला एरिया हो गया मिडिल फिंगर से, थोड़ा सा आप इतना आप नापने में इधर उधर ना हो जाए। इसे अब हम कट कर लेंगे, तो देखिए सीजर कहाँ है, इसे आप कट करके निकाल दीजिए, और उसके बाद इतनी जो ये इतनी लंबी आपको लेना है, आप समझ गए। इसी तरह से अगर कॉटन की व्यवस्था हो सके, जो कॉटन मिल में इस्तेमाल की जाती है, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाती, लेकिन यदि नहीं है तो आप ये मौली की धागा ले सकते हैं, और इसे मैंने डबल लेयर में किया है, आप देख लीजिए ये डबल लेयर में है, और इसे हाथों से थोड़ा सा आप बट लीजिए, ये इस तरह से पानी लगाकर हाथों में, तो ये अभी गीला है तो इसी को हम हाथों में लगा ले रहे हैं, तो इस तरह से राउंड हो जाएगी तो अच्छी हो जाएगी। और अब धागे की भी बात कर लें, तो देखिए ये मौली का धागा भी दो प्रकार का आता है, एक कॉटन एक सिंथेटिक, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप सोचे कि मैम ने बताया था और हमने ले लिया और हमारी बाती बीच में बुझ गई है, तो ये कॉटन का मौली का धागा लेना है तभी वो आपके लिए अच्छा होगा। ये एक दो बातें आपकी क्लियर हो गई। अब
कैसे, कितने दिनों के लिए और कहाँ लगाना है, ये तीन चीज़ें क्लियर करनी है। तो देखिए, यदि जैसे कि शुभ दिनों में लगाया जाता है, कोई भी शुभ दिन हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवरात्र के दिनों में ही लगा सकते हैं। नवरात्रि का दिन अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए हम लोग नवरात्रि के पहले दिन जब हम कलश स्थापना करते हैं उसी समय दीप की भी स्थापना कर देते हैं। इन केस आपने नहीं लगाया और अब आपके मन में इच्छा हो रही है कि हम लगाएं, तो आप किसी भी दिन लगा लीजिए, नवरात्रि के किसी भी दिन से आप लगा लीजिए। और कितने दिनों के लिए लगाना है, तो देखिए आप 24 घंटे के लिए लगा सकते हैं, आप पूरे पूर्णिमा तक लगा सकते हैं, आप अष्टमी से लगा सकते हैं, क्योंकि अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा, इन इतने दिनों के लिए लगा सकते हैं। एकादशी पर लगाएं, अमावस्या पर लगाएं, कभी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई। वहीं पर अहम बात कि अब कहाँ पर लगाएं, तो देखिए ये अग्नि है, जो दीप है वो अग्नि है, तो इसे घर के अग्नेय कोण में आप लगाएं। तो अगर आपके रसोई घर में अच्छा, मतलब अग्नि कोण में बना है, तो वहाँ पर आप रसोई घर में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप जिस रूम में भी लगा रहे हैं वहाँ पर आप दक्षिण और पूर्व के कॉर्नर में इस तरह से लगा सकते हैं। पूजा मंदिर के भी दक्षिण पूर्व कॉर्नर में आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान अगर वास्तु के अनुसार रखेंगे तो आपका दीप बहुत अच्छे तरीके से वो प्रज्वलित रहेगा और उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई। अब कैसे लगाना है, अभी बुझने के आगे हम आएंगे कैसे लगाना है, उससे पहले हम ये जान लें कि जो लोग नहीं लगा पाते हैं, जैसे कि आप वर्किंग हैं, आपके घर में दिन भर लॉक लगा ही रहता है, ताला बंद करके आपको अपने ऑफिस में, अपने जॉब पर जाना ही पड़ता है, और आप चाहते हैं कि हमें इसका पुण्य फल मिले, तो आप क्या करें, ऐसे में आप अपने घर के पास में मंदिर में जाएं, कोई भी मंदिर हो, देवी का हो, हनुमान जी का हो, शिव परिवार का हो, कोई भी मंदिर हो, आप वहाँ पर जाएं और इन नवरात्रों के दिनों में या कभी भी आपको खरीद कर मार्केट से घी या तेल, बाती और उसका जो दीवा, ये सभी चीज़ें परचेज करके आपको पुजारी जी को देना है और उन्हें कुछ दक्षिणा भी देना है, क्योंकि वो आपके विहाग पर काम करेंगे, तो इससे उनकी जो उनका जो एक प्रकार से आप उनको पे करेंगे उनसे काम करवाने के लिए, तो वो चीज़ें पैसे वगैरह देकर आप जब दीप प्रज्वलित हो रहा है तो वहाँ पे आप विराजमान रहें, पंडित पुरोहित से वो आप दीप प्रज्वलित करवा दें, पूजन आदि स्वयं कर लें या पंडित जी कर देंगे, आप अपनी मनोकामना बोल लें और सुबह शाम जब भी आपको अवसर मिले दीप दर्शन के लिए आप ज़रूर जाएं कि कैसा दीप जल रहा है, क्या है, वो आप देखभाल कर सकते हैं। और इस तरह से आप नवरात्रि के 9 दिनों में दीप जलाने का जो शुभता है वो प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जैसे कि जब हम कोई बड़ा कार्य करते हैं, कोई त्याग, कोई व्रत, उपास, तो देखिए हम मनुष्य हैं, अपने ही स्वार्थ के कारण ये सारे काम हम करते हैं कि हमारे बच्चे का ये हो जाए, हमारे परिवार में ऐसे खुशियाँ आ जाए, हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, इस तरह की कामना करते हुए हम मनुष्य कोई भी कार्य करते हैं। तो आपकी जो कामना हो आप बोल लीजिए, पहले से मन में रख लीजिए और उस कामना को मन में रखते हुए दीप प्रज्वलित करने का आप अनुष्ठान ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी सारी मैं एक एक करके क्लियर करती चलूँ, वरना आप बहुत सवाल पूछते हैं और फिर मैं परेशान हो जाती कि इतना वीडियो बनाऊँ क्या करूँ, ठीक है। अब आता है कि दीप प्रज्वलित जहाँ भी आपको करना है थोड़ा सा स्थान साफ सुथरा कर लें। तो अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रुई की बाती है, ये भी हटा देते हैं। तो हमने एक प्लेट ली है और इसमें हमारे देखिए ओम का चिन्ह बना है और इस तरह से यहाँ पे मंत्र लिखे हुए हैं, तो हमें बहुत कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्वास्तिक बनाएं या कुछ, पहले से यहाँ पे शुभता है, ओम भी ये शुभ चिन्ह प्रतीक माना जाता है, तो आप इस तरह से यदि हो तो रहने दें, वरना आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें या फिर अष्टदल कमल बना लें, जैसे ये नवरात्रि पूजा में मैंने आपको बताया था। चलिए हम करके दिखा भी देते हैं, पूरा रहता नहीं तो फिर आप लोग बोलते मैम ऐसे आपने किया है। ये देखिए इस तरह से फूलों का आसन देते हुए हम अपना ये जो दीप है बीच में रख लेंगे और इसमें ये जो हमारी बाती है, अभी ये थोड़ा सूखा नहीं है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा,
ये बाती हम रख लेंगे और इससे बड़ा दीवा आप लीजिएगा और जो ये छोर वाला हिस्सा है ये देखिए, ये जितना मैंने आपको इसकी लेंथ बताई है अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपका पूरा 9 दिनों तक ये काम करेगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा, तो ये मैंने थोड़ा सा राउंड कर लिया है, आसानी होगी। ये देखिए, ये मैंने इसको रख लिया है इस तरह से करके। अब इसमें घी डालें कि तेल डालें? तो देखिए, यदि हम इस तरह से दीवा लेते हैं तो उसमें तिल का तेल ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे अभी तो गर्मियाँ आ चुकी हैं तो आप घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह का दीवा रहता है तो यहाँ पीछे तक गर्मी थोड़ा कम पहुँचती है और जिसके कारण पीछे घी जमा रह जाता है और फिर हमारे दीप प्रज्वलित में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आप में से जो लोग भी जलाते होंगे उन्हें पता होगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यदि मौसम के अनुसार आपको इसमें घी या तेल डाल लेना है या फिर बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी है तो आप तिल का तेल लाके इसमें भर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डीप ना करें, थोड़ा सा हवा, क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलती है ना तभी हमारा दीप अच्छे तरीके से प्रज्वलित रहता है। और हवा वगैरह, पंखा वगैरह कोई बच्चे ना चला दें। इसके लिए इस तरह से मार्केट में आता है, ये मेरा छोटा है हमारे इस वाले दीपक के लिए है, तो इसको भी आप इस पर बड़ा सा कवर कर दीजिए। या फिर पहले के समय में जो लालटेन चलती थी जिसे आप बोलते हैं, उसका शीशा होता है, वो भी आप इस पर रख सकते हैं, तो हवा नहीं लगेगा तो दीपक शांत होने का चांस कम रहता है। तो ये सारे प्रिकॉशन लेते हुए आप दीप प्रज्वलित करने के बारे में तैयारी कर सकते हैं। अब मान लीजिए बार बार आपके घर में बुझ जा रहा है, कई बार आपने ट्राई किया है और वो आपकी जितनी दिन की आपने अनुष्ठान लिया है वो नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी कन्या को ले लें, जो कन्या 2 से 10 वर्ष तक के बीच की हो, वो कन्या आपके घर की हो या पंडित पुरोहित के घर की हो, आपके बहन बेटी हो, कोई भी कन्या हो, उससे दीप प्रज्वलित करवाएं पहली बार। सारी व्यवस्था आप कर लीजिए, सिर्फ दीप प्रज्वलित पहली बार वो कन्या कर देगी। कहते हैं कि देवी माँ का स्वरूप होती हैं तो आपका दीप अच्छी तरीके से प्रज्वलित रहता है, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो ये चीज़ें भी आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब दीप प्रज्वलित करने के मंत्र भी आते हैं, तो यदि आप मंत्र बोल सकते हैं तो हम स्क्रीन पर लिख देंगे, आप वो बोल लीजिएगा, वरना आप हे दीप देवता आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमारे संकल्प पर आप प्रज्वलित रहें, बस इतना भी आप बोलेंगे तो भी आपके लिए अच्छा होगा। भगवान गणेश का नाम लेते हुए आप दीप प्रज्वलित कर लें। अब उसके बाद बात आती है कि दीप जब हम प्रज्वलित कर लेते हैं तो क्या वहाँ पर एक व्यक्ति रहना चाहिए, हमें व्रत करना चाहिए, हम 9 दिन का व्रत रखें, क्या अनुष्ठान करते हुए हमें व्रत? तो देखिए, इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। यदि आप पहले से व्रत हैं तो ठीक है, वरना आप सात्विक आहार लेकर इस दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएँ पूर्ण कर सकते हैं। घर में सात्विक आहार बनाएँ, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश आदि ना करें। दीप भी एक देवता स्वरूप होते हैं और हमारी पूजा के साक्षी माने जाते हैं, तो इसलिए इस तरह से अखंड दीप आप अपने घर में जब लगाएं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब आपका दीप प्रज्वलित हो गया, अब दीप का पूजन करें। पहले दूर से जल घुमाएं, फिर प्रणाम करें, अब हल्दी कुमकुम का तिलक करें, कुछ पुष्प ऋतु फल मिठाई जो भी है आप वहाँ पर भोग लगाएं। इस तरह से आपको नित्य प्रतिदिन पूजा करनी है, इसीलिए जब पुरोहित जी को आप समान चीज देते हैं तो पूरे 9 दिन के हिसाब से आपको देना है और पुरोहित जी ये सभी कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग मंदिरों में आपने देखा होगा लाइनिंग से कलश की स्थापना और दीप सभी का रहता है, बहुत सारे लोग घर में कलश नहीं रख पाते तो मंदिर में रखवा देते हैं कि भाई हमारे नाम से मंदिर में कलश प्रज्वलित, मतलब दीप प्रज्वलित होगा और कलश रखा रहेगा, ये भी बहुत सारे लोग। अब इन केस, अब मान लीजिए पूजा जाता है फिर क्या करेंगे? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ जिससे आपको आसानी होगी। मैंने थोड़ा ही घी डाला है तो आप इसे माइंड मत करिएगा, क्योंकि दीप एक बार प्रज्वलित हो जाएगा तो उसे हम अपने आप स्वतः ही शांत होगा, बीच में उसे हमें खुद से बुझाना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, मैंने घी डाला है और ये वाली जो लंबी वाली मौली की धागा उसे हमने, हम आपको डेमो दे रहे हैं, तो इस तरह से मान लीजिए। तो अब ये मैंने इसीलिए 2 बाती आपको बोला था, इसे आपको बट लेना है। अब इसमें आप ये मत पूछिएगा कि पहले बाद में, कुछ भी आप पहले से रेडी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से, ये
ना बहुत मोटी और ना ही बहुत पतली। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारा मोटी आप लगा दीजिए और फिर आपका बहुत सारा घी भी इस्तेमाल होगा, तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखें। ये आपने लगा दिया और यहाँ पे ये दीप आप प्रज्वलित कर लिए हैं, ठीक है। अब ये लग रही है तो आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबी बाती आपको नहीं रखनी है, इसे हम पीछे कर देंगे। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल बस इसी तरह से आपको इसे रखना है। दीप लगाने के बाद जल घुमाना है, हल्दी कुमकुम का तिलक करना है, भोग प्रसाद चढ़ा के प्रणाम करना है। वो भोग प्रसाद आप बच्चों में बांट सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसी तरह से जलता रहेगा। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे फूल आ चुका है, हमारी लौ थोड़ा कम हो गई है, फिर हम क्या करें? आपको एक अलग से दिया लेना है, ये छोटा सा दिया ले लें, उसमें घी डाल लें और रुई या कुछ भी हो, इससे कोई परेशानी नहीं है कि हमने रुई जलाई है या बाती, कुछ भी नहीं, अलग से दीप आपको लगा लेना है। ये देखिए लगा लिया आपने, और यहीं पर हम रख देंगे, पास में रख देंगे, इन केस इस लौ को सही करने में कोई प्रॉब्लम आती है, हमारा लौ शांत हो जाता है, तब हमें ये दीप हमारा एक प्रज्वलित ही रहेगा। देख रहे हैं, ये दो अलग अलग जो बत्तियां हैं, इसको हम एक सही करके फिर इसमें लगा के इस तरह से इसको प्रज्वलित कर लेंगे और फिर ये वाली बत्ती सही कर लेंगे। तो आप डरे नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, आप इस तरह से एक अलग से दिया लगा कर और इस तरह से ठीक कर लीजिए। कभी भी दीप से दीप नहीं लगाना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारे कर्जे इससे बढ़ते हैं दिए से दिए लगाने से, इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि हम ये हमारी बुझ गई तो अलग से लगा कर हम इसी से इसको जला लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वापस फिर से इसको जला सकते हैं और ये अलग से आपका दीप यानी कि एक दीप है उसके स्थान पर ये सही करके हम इसको फिर से सही कर लेंगे, ठीक। तो बस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से, और कभी भी इस तरह से दिए लगाएं तो आप बुझाएं नहीं, कभी बुझाना नहीं चाहिए, जितनी देर उसमें घी तेल रहेगा और फिर स्वतः ही शांत हो जाएगा, ठीक। तो मैंने सोचा मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लगाऊं, और भी बहुत सारे नियम होते हैं जो कि मेरे पहले वाली वीडियो में है, तो वो भी आप देख सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।